आखिर कौन नहीं चाहता भारत फिर से डेवलप्ड राष्ट्र बने, आखिर कौन नहीं चाहता भारत फिर से अखंड राष्ट्र बने, और आखिर कौन नहीं चाहता भारत फिर से विश्व गुरु भारत बने। हम सब चाहते हैं भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाए। हम सब चाहते हैं भारत फिर से एक शिक्षा का केंद्र बने, जहाँ पे देश विदेश सारे जगह के लोग पढ़ने के लिए आए करते। हम सब चाहते हैं उतने इमोशन और उतने इंटेंसिटी से जितनी कि मैं चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, मगर हमारे पास कोई विजन नहीं है, कोई सॉलिड प्लान नहीं है कि कैसे भारत को 2047 में एक विकसित भारत बनाया जाए। मैं कुंदन कुमार विल डिस्कस अबाउट द डिटेल्ड ब्लूप्रिंट अबाउट विकसित भारत 2047। आई हैव द 7S फॉर्मूला, बेस्ड ऑन दैट वी कैन मेक श्योरली इंडिया विकसित भारत 2047। दीज 7S आर सुरक्षित भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत, शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, सुसंस्कृत भारत एंड स्वर्णिम भारत। अगर हम इन 7 फ्रंट पे भारत को डेवलप करें और भारत के लिए काम करना शुरू करें, 150 करोड़ पॉपुलेशन विल स्टार्ट टू वर्क टुवर्ड ऑल दीज 7 फ्रंट्स डे बाय डे नेक्स्ट 20 to 25 ईयर्स। श्योरली आई एम मच होपफुल एंड यू आर ऑल्सो मच होपफुल इंडिया विल बिकम डेवलप्ड नेशन इन 2047। वेलकम टू विकसित भारत 2047 एपिसोड नंबर 4। लास्ट 3 एपिसोड वी हैव सीन अबाउट एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ इंडिया विल बिकम विकसित भारत इन शॉर्ट, मीन्स जस्ट आई गिवन द आउटलाइन एंड आई गिवन 7S फॉर्मूला हाउ इंडिया कैन डेवलप इन 2047। ड्यूरिंग दैट वी हैव सीन वॉट इज द इम्पोर्टेंस फॉर विकसित भारत फॉर अस एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस 7F फॉर्मूला। आउट ऑफ दिस 7F फॉर्मूला फर्स्ट फार्मूला इज सुरक्षित भारत। फर्स्ट फार्मूला इज सुरक्षित भारत। आई हैव गिवन यू 7S फॉर्मूला, सुरक्षित भारत, समर्थ भारत, सशक्त भारत, शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, सुसंस्कृत भारत एंड स्वर्णिम भारत। तो उसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला है जिसपे हमें वर्कआउट करना है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, जो कॉन्सेप्ट मॉडर्न टाइम जो हमारा कॉन्सेप्ट है नेशन का, वो एक कॉन्सेप्ट नेशन और स्टेट का जो है कि हमारा एक बाउंड्री फिक्स है जिस बाउंड्री की हम सुरक्षा करते हैं, और उस बाउंड्री की सुरक्षा से हमारा कल्चर, हमारा देश और हमारी आइडेंटिटी बनी रहती है। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है एक राष्ट्र का और एक देश का, वो है सुरक्षा, सुरक्षित वाला। तो सुरक्षा का मतलब हमारे दिमाग में जनरली आता है कि सिर्फ वार, हमें इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, हमें इस पर अटैक करना है, इट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट। बट सुरक्षित का मतलब सिर्फ वही नहीं है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं सुरक्षा के। वो एक एक्सटर्नल डिफेंस है जो कि बाउंड्री पे और बॉर्डर पे सुरक्षा करती है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटीज है, साइबर सिक्योरिटीज है, हमारी डोमेस्टिक सिक्योरिटीज है, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं सुरक्षा के। और इन सारे एस्पेक्ट पे हमें डिटेल वर्कआउट करना पड़ेगा विथ डेटा एनालिसिस एंड वॉट वी वॉन्ट इन फ्यूचर हाउ टू अचीव इट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें एक लमसम कुछ भी प्लान तैयार करके उस पर मूव करना, नहीं, इस पर हमें डिटेल्ड वर्कआउट करना है विथ डेटा एनालिसिस, देन ओनली वी विल एबल टू रियलाइज एंड वी विल एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन अचीव दैट। तो आज के एपिसोड में सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सुरक्षित भारत। सुरक्षित भारत कहने का मतलब तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर इसको डिटेल से हम डिस्कस करें और हमारे प्लान के बारे में समझने की कोशिश करें कि कैसे भारत यहाँ से विकसित हो सकता है, कैसे भारत सुपर पावर की तरफ जा सकता है, कैसे भारत विश्व गुरु की तरफ जा सकता है, जो कि हमारा एक हमारा फाइनल मिशन है। विकसित भारत 2047 इज जस्ट ए स्टेपिंग स्टोन। हमारा मेन मिशन जो है वो है विश्व गुरु भारत। तो उसके लिए हमारा देश सुरक्षित रहना कितना ज़रूरी है और कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं, तो ये आज पार्ट 1 में उसके 1 एस्पेक्ट विल डिस्कस कि हाउ सुरक्षित भारत वी कैन अचीव and what are the aspects we have to discuss. Welcome again to Parho Likho. Today this session we are going to discuss about Surakshit Bharat part 1. Suraksha, of course, everybody can realize and can accept it is a topmost priority for any nation. Without defense, to hamara first formula jo hai 7S formula, whatever I discussed detail in last episode also, that is our 7S formula, that is Surakshit Bharat. फर्स्ट फार्मूला इज सुरक्षित भारत, बिकॉज सबसे पहले ज़रूरी है, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि देश सुरक्षित रहना चाहिए। अगर देश सुरक्षित नहीं है तो आगे आप कुछ नहीं सोच सकते हैं कि हमारा शिक्षा कैसा हो, स्वास्थ्य कैसा हो, क्या राजनीति कैसी हो, पीपल कैसे हों, वेलफेयर कैसे हो, इन सारे का मीनिंग ही नहीं निकलेगा अगर हम सुरक्षित नहीं, हमारी आइडेंटिटी नहीं है। तो सबसे पहला जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सुरक्षित भारत। सुरक्षित भारत जब हम बोलते हैं तो एक सेंसेशन आता है, आपको भी आता होगा,
एक सेंसेशन आता है कि हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा और हम कितने ताकतवर हैं, किस राष्ट्र का मुकाबला कर सकते हैं, किस राष्ट्र का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे पड़ोसी राष्ट्र हमसे कितनी ताकतवर हैं, क्यों हम चाइना से हार गए थे 1965 में, मेनी ऑफ द थॉट्स विल सडनली विल स्टार्ट टू कम। इन सारे थॉट्स को, इन सारी चीज़ों को मैं समराइज करूँगा इन 7 पॉइंट्स में, जस्ट इस पॉइंट कि सुरक्षित भारत में हमें किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है और किस एस्पेक्ट को हमें लेकर के आगे बढ़ना है। सबसे पहला एस्पेक्ट है हमारा नेशनल डिफेंस। डिफेंस पे हमें मल्टीपल चीज़ें देखनी है, मैं डिस्कस करूँगा अगले एपिसोड में। इट विल टेक टाइम, सुरक्षित भारत मैं एक एपिसोड में नहीं कंप्लीट कर पाऊँगा, इट विल टेक मिनिमम 7 to 10 एपिसोड, तभी मैं सुरक्षित भारत के बारे में सारे चीज़ों को आपके सामने रख पाऊँगा और आप भी उसे एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन श्योरली इट विल बी हेल्पफुल। तो नेशनल डिफेंस, जनरली वी नो इन डिफेंस इज हैविंग मेनली 4 डिपार्टमेंट्स। वन इज इंडियन एयरफोर्स, यू कैन से इंडियन नेवी, देन इंडियन आर्मी एंड कोस्ट गार्ड। दिस इज आवर डिफेंस पर्पज। अपार्ट फ्रॉम दैट मल्टीपल थिंग्स वी हैव, अदर डिपार्टमेंट्स वी हैव, डिफेंस प्रोडक्शन इज देयर, डिफेंस रिसर्च इज देयर, आफ्टरवर्ड्स वेलफेयर स्कीम फॉर द एक्स सर्विस मैन इज देयर। देन दिस स्ट्रक्चर ऑफ द डिफेंस ऑल्सो आई विल डिस्कस इन डिटेल, एंड इन विच डिपार्टमेंट हाउ मच बजट वी आर एलोकेटिंग, दैट ऑल्सो विल डिस्कस इन टेक्नोलॉजिकल वे एट विच जंक्चर वी आर स्टेइंग नाउ एंड हाउ वी कैन अचीव आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड मैक्सिमम थिंग वी कैन मैन्युफैक्चर एंड डेवलप इन इंडिया विच वी आर डिपेंडिंग ऑन द फॉरन कंट्रीज। वी आर डिपेंडिंग ऑन फॉरन कंट्री, इट इज़ हैविंग वेरी सीरियस ड्रॉबैक। वाई इट इज सीरियस ड्रॉबैक? When it will come emergency time, when you need it, that time it will be difficult. They will not provide you, first thing. Second thing, they will charge multiple times higher. Whatever we can manufacture here, whatever we can indigenize, and what, how much costing will be incurred if you are making in India, it will go 10 times, 20 times if you are procuring or you are taking out of the India. Then multiple aspect is there related to national defense. Next most important is our internal security. Internal security is having parallel importance to national defense. Because national defense में अगर चूक होती है तो कहीं कहीं हमारे internal security के लिए threat होती है। अगर just suppose करो कि हमारा border जो है किसी तरह थोड़ी चूक हो गई और 50 terrorist enter to the India. These 50 terrorists, what will do? This will create the internal security threats. They will do bomb blasts, they will kill some innocent people, they can do anything. Means national defense and internal security are interrelated to each other, directly, indirectly. Civilization way, safety way, and afterwards social security way, every aspect, it is interrelated to each other. The national defense, second point is our internal security. Third is our social security. Social security is not having directly related to defense. This depends on our culture, civilization on which India is formed, and still we are following. We are the oldest civilization which are in practice. Oldest civilization, many civilization was there. Mesopotamian civilization was there, Inca civilization was there, Maya civilization was there. All the lost people are not there who are still practicing these civilization. We are the single oldest civilization which are still in practice. And we have a still belief in that 5,000, 10,000 old rules and values, what was 1,000 years before. Still, we have same level of belief system. Then social security will depend not only on internal security and national defense, it depends on our culture, civilization, and how it is changing from last 100, 200 years. We cannot say it is 100, 200 years. We can say 1,000 years. We are just tolerating the external aggression and external attack on the India. That 1,000 years has made drastic change in our social belief system, social values, and social structure. All these will create social security. Then we have our third most important aspect is social security. अगर आपका समाज सुरक्षित नहीं है, तो आपका देश अगर सुरक्षित भी है, तो आप पूरी तरह comfort अपने देश में नहीं है। तो सोशल सिक्योरिटी जो है वो एक मेजर कंसर्न है आफ्टर नेशनल डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। हमारा फोर्थ पॉइंट जो डिस्कस करने का है, दैट इज आवर
डोमेस्टिक सिक्योरिटी. यू विल टेल डोमेस्टिक सिक्योरिटी इज इन डोमेस्टिक सिक्योरिटी इज योर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट विच विल गिव यू द फ्रेमवर्क हाउ पीपल विल बिहेव इन सोसाइटी, हाउ पीपल विल थिंक अबाउट द नेशन, हाउ पीपल विल बी इन पॉजिटिव माइंड सेट अबाउट द नेशनल इशूज, सोशल इशूज, अदर इशूज. देन डोमेस्टिक सिक्योरिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज नाउ चेंजिंग कल्चर, डोमेस्टिक कल्चर आर टोटली चेंज्ड. इफ यू विल जस्ट कंसिडर लास्ट 30 to 40 ईयर्स, देन डोमेस्टिक कल्चर और यू कैन से आवर होम कल्चर इज टोटली चेंज्ड. नाउ इट इज नॉट लाइक ओल्डन टाइम, इट इज चेंजिंग डे बाई डे. चिल्ड्रंस आर गेटिंग डिफरेंट इम्पैक्ट बेस्ड ऑन द डोमेस्टिक इन्वायरमेंट एंड आफ्टरवर्ड्स हु आर लिविंग इन द फैमिली सिस्टम, दे आर ऑल्सो अफेक्टेड. देन डोमेस्टिक सिक्योरिटी इज वन ऑफ द एस्पेक्ट विच आर रिलेटेड टू आवर सुरक्षित भारत. नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर साइबर सिक्योरिटी बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इनविजिबल थ्रेट्स. इट इज इनविजिबल थ्रेट्स. अगर कोई दुश्मन आ रहा है बॉर्डर पे तो आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको गोली मार सकते हो, बट साइबर सिक्योरिटी इज ए इनविजिबल. यू विल नॉट बिलीव समथिंग विल हैपन विथ यू, यू आर नॉट अवेयर समथिंग हैपन टू यू. आपके अकाउंट से पैसे निकल गए आपको पता भी नहीं चला. आपके साथ कुछ और हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है. आपको पॉइंट बाय पॉइंट मोनिटर किया जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा है. साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है. अगर हमें अपने आप को सेफ रखना है, हमें अपने इंटेलिजेंस को, अपने अपने डिप्लोमेसी को, अपने ब्यूरोक्रेसी को अगर पूरी तरह इम्प्लीमेंट करना है, अपने पुलिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें साइबर सिक्योरिटी की ओर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. तो साइबर सिक्योरिटी इज आवर फिफ्थ कंसर्न और फिफ्थ पॉइंट अंडर सुरक्षित भारत. आवर सिक्स्थ पॉइंट इज सेफ्टी एंड प्रिकॉशन. क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में कि कुछ पॉपुलेशन जो थिन पॉपुलेशन है, वो कैन से थिन पॉपुलेशन वेरी 1%, 2%, 5% पीपल, दे आर एक्स्ट्रा अवेयर. दे आर एक्स्ट्रा अवेयर इन द सेंस ऑफ एवरीथिंग, आइदर फिनांस, आइदर हेल्थ, आइदर देयर सोशल स्ट्रक्चर, एवरीथिंग दे आर एक्स्ट्रा अवेयर. देयर अवेयरनेस लेवल इज सो हाई. बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर देयर, दे डोंट हैव अवेयरनेस एंड दे डोंट नो हाउ टू टेक द प्रिकॉशंस, हाउ टू यूज द सेफ्टी फॉर अ स्मॉल थिंग एंड फॉर लार्जर एस्पेक्ट ऑल्सो. देन सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस आर वन ऑफ द एस्पेक्ट विच वी हैव टू डिस्कस अंडर सुरक्षित भारत. एंड नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट द बॉक्स रिलेटेड टू सुरक्षित भारत, बट आई फील वेरी स्ट्रांगली इट इज टोटली इन कंसर्न विद द सुरक्षित भारत, दैट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल राइट्स की बात सब करते हैं, अगर कुछ भी आपके साथ हो जाए तो तुरंत आप खड़े हो जाओगे झंडे लेकर के कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, आई कैन स्पीक फॉर द एनी टॉपिक, एनी थिंग आई कैन स्पीक, आइदर यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट द नेशन और अगेंस्ट द एनी थिंग, बट यू विल स्टिल गिव टू मच स्ट्रेस. आई हैव फंडामेंटल राइट्स टू स्पीक, आई हैव फंडामेंटल राइट्स फॉर दिस, सो मेनी थिंग, बट वी विल नेवर थॉट्स सम फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो वी हैव एंड दिस इज इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस. It is incorporated in our constitution by the amendment, 42nd amendment. And only thing is there till now, fundamental duties are given in constitution, but it is not bounded legally or it is not bounded by any punishment role. Means if you are not doing fundamental duties, nobody can punish you. That is only one flaw is there. Government has given awareness, these are 10 fundamental duties are there, like we have to respect national flag, we have to respect national anthem, you have to respect our ancient culture, you have to respect our sacred language, you have to multiple duties are there, 10 duties we have, but we have not given any punishment clause ki if you are not respecting national flag or you are doing some disrespect to national flag, then you will have some punishment, either in the form of money or in the form of something or in the form of jail or something. We don't have punishment clause. I strongly recommend we have to put some punishment clause for fundamental duties, until unless we will not start to follow. Once fear factor will come, we have to do fundamental. And every citizen of India, if I start to follow fundamental duties and they will start to do their duties for the nations,
30-40% सुरक्षित भारत विल बी हैपन ऑटोमेटिकली. आई एम टेलिंग यू आवर सोशल सिक्योरिटी इज टू मच डिपेंडिंग ऑन आवर फंडामेंटल ड्यूटीज. इफ पीपल आर अवेयर अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड दे आर फोर्स टू फॉलो दिस फंडामेंटल ड्यूटीज, आवर सोशल सिक्योरिटीज, डोमेस्टिक सिक्योरिटीज, मेनी ऑफ द सिक्योरिटी विल सिक्योर. देन वन ऑफ द थिंग्स आई विल रिकमेंड and I will discuss very strongly about the fundamental duties. Then these seven aspects are there under Surakshit Bharat, and Surakshit Bharat is our first formula, first S in 7S. Just we'll move forward. We'll discuss how to analyze Surakshit Bharat. Ye seven aspect to hamare hai, jiske aadhar pe hame discuss karna hai. Is seven aspect pe aane se pehle, hame zarur ye sochna chahiye ki aakhir past mein hamare saath kya. क्या हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास है, क्या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है जिससे हम सीख सकते हैं. क्योंकि सारे आदमी के, सारे लोगों के साथ या नेशन के साथ या किसी के साथ उसकी हिस्ट्री उसका पीछा नहीं छोड़ती. हमारा इतिहास कभी हमें पीछा, हमारा पीछा नहीं छोड़ता है. इतिहास हमेशा हमारे पीछे रहता है, और वो पीछे रहना अच्छी बात है क्योंकि वो हमें हमेशा याद दिलाते रहता है कि हमने क्या सीखा, क्या अचीव किया, क्या गलतियां की, और उन गलतियों से हम क्या सीखकर फिर से आगे बढ़ सके. तो बिफोर डिस्कसिंग दी सेवन एस्पेक्ट ऑफ सुरक्षित भारत, मैं डिस्कस करूंगा कि सुरक्षित भारत के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है इन द सेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री. इन द सेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इन लास्ट 5000 ऑफ रिटन हिस्ट्री, इवन आई विल गो लिटिल बिट बिफोर दैट, विच वी आर नॉट फीलिंग लाइक ए history. Most of the historian or most of the intellectuals will not feel it is history, but I used to tell Ramayana and Mahabharata are our histories. It is not like it, but we will discuss little bit about Ramayana and Mahabharata and what we can learn from that related to Surakshit Bharat. Then historical aspect of Surakshit Bharat, based on the main historical events, we will not discuss all the historical events, then it will become a history class. I'm not going to take history class, but I will take only main events. I will pick the main events which were the turning points in history of India. Like we can say Alexander attack, one of the turning point. Muhammad Ghori attack, one of the turning point. Again, Seleucus attack was one of the turning point. Like that, we have many turning points which has given a direction to our history of India. That direction was good, bad. It was not in favor of nation, against the nation, that everything we'll discuss in respective events. And whatever happened, we cannot change, but we can surely take inspiration and surely we can take a learning from those failures or those achievements. Agar hum usse seekh lete, to aage at least galtiyan nahi hongi. और आगे उस तरीके से हमारे साथ नहीं. इन सारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में ये कुछ पॉइंट होंगे जिनके बारे में डिस्कस करूंगा. आउटपुट ऑफ द इवेंट्स, वॉर एंड अटैक. लाइक एनी वॉर हैपन, इंडिया इज वॉटेड और अटैक हैपन ऑन इंडिया, और एनी मेजर हिस्टोरिकल इवेंट हैपन विच आर गिवन द मेजर डायरेक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया और कोर्स ऑफ द नेशन, देन आउटपुट. नेक्स्ट, वाई इंडिया डिफीटेड और विन, बोथ ऑफ द केस. आई विल टेल यू, जस्ट इन द मैटर ऑफ 20 ईयर्स, in 326 BC, when Sikandar attacked, India has defeated. India was not having a strong centralized power due to India defeated. Sikandar has not went throughout India. That was their own internal issue. There all soldiers were dead against, I cannot move forward because we are so tired. Once they defeated the Porus, afterwards they stayed almost 2 months near to Indus River, and afterwards their full army, their sainik was not in favor to move further. Agar us samay uske sainik ne oppose nahi kiya hota to Sikandar pure Bharat ko raun deta aur wo pure Ganga Valley mein jata, uske baad niche aata, sab chale jata, magar us samay uske apne internal reason ke karan wo aage nahi badha aur laut gaya. Theek hai, to us samay India एक वार पोरस ने लड़ा सिकंदर से, और उसके बाद इंडिया समझो कि उस वार में हार गया. उस वार को आगे कैसे जीत सकता था या आगे क्या होता, इट इज यू कैन से वी कैन नॉट से व्हाट वुड हैपन, बट इंडिया डिफीटेड. व्हाट वाज द लर्निंग पॉइंट, क्यों उस समय भारत हार गया? उसके जस्ट 30 साल के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, उसके 30 साल के बाद
जब फिर से सेल्यूकस ने अटैक किया तो सेल्यूकस को बहुत बड़ी हार मिली। इंडिया वाज लाइक ए विनर। इंडिया हैज यू कैन से जस्ट इंडिया ने सेल्यूकस की सेना को रौन दिया और उसके बदले में नेगोशिएशन में उसने सारा कुछ अचीव कर लिया जो कि भारत को चाहिए था उस समय अखंड भारत बनाने के लिए। और उसने नेगोशिएशन के टेबल पे सेल्यूकस के साथ सारा कुछ डील किया। उसने ईरान, पर्सिया, उस समय का पर्सिया, नॉट ईरान, ईरान आफ्टरवर्ड्स, पर्सिया, अफगानिस्तान, उसके आगे का कुछ इराक का पोर्शन, सारा कुछ अपने अधीन ले लिया। इवन सेल्यूकस की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी हो गई। तो वो उस समय उतना बड़ा नेगोशिएशन क्यों हो पाया, उसके पीछे कारण था कि दैट टाइम इट वॉज द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूल विच वॉज सेंटर्ड इन पाटलिपुत्रा एंड चाणक्यवाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमात्या और मिनिस्टर विच वॉज गिविंग द सजेशन टू द चंद्रगुप्त। क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके जीतने के, हारने के, और अगर आप जीतते हो फिर भी उसको आप अच्छी तरह कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, लाइक 71 वार में क्या हुआ, हमने 91,000 पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर कर दिया बट हमने कुछ भी नेगोशिएट नहीं किया, दैट वॉज द वन ऑफ द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। अगर हम उस समय नेगोशिएट कर लेते उस समय 91,000 पाकिस्तानी आर्मी, आई वॉन्ट काश्मीर फुल्ली, आई वॉन्ट POK फुल्ली, आई वॉन्ट दिस इशू इन फ्यूचर, यू विल नॉट डू लाइक दिस, ऑल ट्रेटीज अगर हम कर लिए होते तो बहुत सारे इशू किल हो गए होते, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, इट वॉज अ फेलोरिटी। Although we win the war, but we failed, finally. Impacts on course of history and how we improved and need for further improvement. Then all these things we'll discuss. Just I will give you highlight in today's episode. Like this is one of the turning point when Alexander has attacked in 326 BC on India. It was the full force Sikandar and that time he defeated the India. If his army would not revolt and would not pressurize to go back, he would captured whole India. This we will start from this, like from 326 BC to 2019 last attack we have seen when Pulwama attack happened, and retaliation also India have done, all will discuss. Then 326 BC to 2019, during this time what are the major war or major attack or major events happen which has changed the course of history of India? Same thing, just we'll discuss. This is about Uri attack in 2016. Afterwards, Indian army has retaliated and taken the revenge. And finally, in 2019, when Pulwama attack happened, and afterwards also Indian Air Force has taken the action in the form of Balakot air strike. Everything we'll discuss, what we have lost, what we achieved, where we have done the mistake and what learning we can take from all these points from 326 BC to 2019. What are the major historical events or war which are going to affect Surakshit Bharat? And if we are eliminating all these mistakes, then surely we will be able to make Surakshit and Viksit Bharat 2047. This was our map 257 BC when India was Akhand Bharat, that much big. And in last almost 2000 years, it is changed to this is our modern India 1947 when we lost almost many of the parts. This part lost. I'm not telling take back these parts. Don't take me in wrong way. I'm not insisting we will take back all these parts. No, that is again a separate discussion. But just I'm comparing this our the area. This was the 257 BC when Ashoka the Great, he made Akhand Bharat like this. And now we have like this. What we lost, why we lost, and further also we can lost, we have to take care. And based on that, I'm just summarizing this Surakshit Bharat part 1 and Viksit Bharat 2047 episode 4. We'll just continue the discussion about Surakshit Bharat part 2 in next episode. And next episode we'll discuss about one of the first event, that was the 326 BC when Alexander has attacked on India. And what happened during that time and what could we better that time, we will learn and we will summarize each and everything based on our four principles. Sam Dam Dand Ved. Thank you. Thank you very much.